जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनेद और नसीर के घर को? तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब दोनों की जंग सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। ओवैसी ने एक बार फिर से सचिन पायलट को घेरा है। दरअसल सचिन पायलट ने ओवैसी के टोंक दौरे को लेकर एक सभा में तंज कसा था। उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है इसलिए ओवैसी टोंक आ रहे हैं। पायलट के बयान पर अब ओवैसी ने पलटवार किया है। AIMIM चीफ ने ट्वीट कर लिखा, पायलट साहब हम उसूली और बुनियादी तौर पर हमेशा से ही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं जो संसद में मोदी सरकार के कानूनों का समर्थन करें, ना ही हम महज मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मोदी के आशीर्वाद से हरियाणा जाकर छिप गए थे। ओवैसी ने कहा, मेरी यूटर्न की आदत बिल्कुल भी नहीं है, बेफिक्र रहिए मैं राजस्थान आता रहूंगा। टोंक के लोगों को आजकल उनका विधायक क्यों नजर नहीं आ रहा है? जुनैद नासिर का कत्ल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि इंसाफ का सवाल है। एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने जुनैद और नसीर की हत्या को लेकर भी सचिन पायलट को घेरा। उन्होंने लिखा, हमने जुनैद नासिर के हत्यारों के समर्थन में महापंचायत देखी है, लेकिन हत्या की निंदा या विरोध करते हुए एक छोटी सी सभा भी नहीं देखी। जिस समाज के नाम पर गौ आतंक किया जा रहा है, क्या उस समाज को आतंक की साफ तौर पर निंदा नहीं करनी चाहिए? इससे पहले ओवैसी ने टोंक में सभा को संबोधित करते हुए भी सचिन पायलट को घेरा था और कहा था कि मैं जब हैदराबाद से यहां आ सकता हूं तो सचिन पायलट क्यों नहीं आ सकते? आज हमने देखा कि भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया। कितने MLA जबान खोलकर बोले, कितने MLA खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं, अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है, याद रखो आप। ये आपका और चाहते हैं, मगर आपकी जब भाई की लाश पड़ी हुई उसके सामने आकर ठहरना नहीं चाहते। आपका और चाहते हैं, मगर मेरे भाई की बेटे की खबर पर जाकर फूल नहीं चढ़ाना चाहते। ये आपका हकीकत है, बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आपके यहां के विधायक साहब सचिन साहब ने क्या बयान दिया, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे ये तो 70 साल से बोला जा रहा है सचिन साहब, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे दोषी को सजा नहीं मिलती, हमको सजा मिलती है। हमारे बेटे मर जाते, जेल को हम बाप जाता है। हमारी बेटी की मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाता है, हमारा घर वीरान हो जाता है, सजा हमको मिलती है। क्यों सचिन साहब आप जुनैद और नासिर का नाम नहीं ले सकते थे? आप नहीं कह सकते थे कि नाम निहाद गौ रक्षक हैं जो जुल्म कर रहे मेवाती मुसलमानों पर? क्या ये भारत के शहरी नहीं है? आखिर क्यों डरते हैं आप लोग? वहीं ओवैसी के टोंक दौरे को लेकर सचिन पायलट ने भी हमला बोला था। सुनिए सचिन पायलट ने क्या कहा था। तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं तो
आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। ये तो यहां हम सब लोग जो बैठे हैं, आप सबके दुख सुख के साथी हैं, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये चुनावी साल है। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर आप सबके आशीर्वाद के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी, और वो लोग जो सिर्फ राज करना जानते हैं दिल्ली में बैठकर। बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। नेताओं के दौरों और जनसभाओं का धीरे धीरे सिलसिला शुरू होने लगा है।